अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हेल्दी से होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है और अगर नहीं पता तो आपको मैं बता दूं कि इलेक्शन आने वाले हैं। 8 तारीख को, 8 फरवरी को इलेक्शन है। तो इलेक्शन के बाद उम्मीद करते हैं अच्छा हमें प्राइम मिनिस्टर मिले, तो वो अच्छे से मुल्क को कंट्रोल करें, उसकी जो है फाइनेंशियली और जो है स्टेबल करें उनकी इकोनॉमी। जैसे कि आपको पता है कि क्राइसिस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान की करेंसी भी लो हो गई है, बहुत ज़्यादा लो हो गई है। और उम्मीद करता है इलेक्शन के बाद हमें अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिले जो से मुल्क को अच्छा चलाए। तो आपको जैसे कि पता है इलेक्शन हो रहा है, फिर भी हमारे मुल्क में तरक्की हो रही है, तरक्की रुकी नहीं अभी। जैसा कि आपको पता है सक्खड़ से हैदराबाद तक रोड बनी है, मोटरवे रोड। और आपको पता है कि हैदराबाद जो सिंध में है, कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर है। हाँ, तो आपको पता है उधर रोड नहीं सही बने थे, और ट्रांसपोर्ट वगैरह वहाँ पे नमक की कानें हैं और भी कुछ है, कुदरती मादनियात है जो कि नकार है और ट्रांसपोर्ट करते हैं एक दूसरे। उधर सड़कें नहीं बड़ी इसलिए उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। तो सरकार ने हमारी सड़कें बना के उनको अच्छा लगे, उनको हौसला मिलना है। हैदराबाद वो और ज़्यादा काम कर रहे हैं, और ज़्यादा काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं अच्छे से, मतलब मोटरवे का। अब ये भी अच्छी हो गए। और ग्वादर का आपको बता दूँ, ग्वादर में भी 2017 में स्टार्ट हुआ था, उसमें भी थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ था, फिर आगे जाके रुक भी गया था क्योंकि इलेक्शन। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है इमरान हाँ के आपको पता है पिछली बार पकड़ा गया इमरान हाँ साहब, तो आपस में ये गवर्नमेंट के लड़ाई झगड़े हो रहे थे, इसलिए ग्वादर में भी डेवलपमेंट रुक गई थी। और ग्वादर एयरपोर्ट इंटरनेशनल है जो सा, वो भी इस साल जो सा ओपन हो जाना है, बल्कि ओपन हो गया, मैंने वीडियो देखी थी, वो ओपन हो गया, वो अभी चढ़ रहा है। और जो सी आपको बता दूँ, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ वगैरह बनी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, और टूरिस्ट का बहुत आगे जा के उन्होंने सपोर्ट करना है। वहाँ पे जो सा कोई पौधा नहीं था, झाड़ियाँ वगैरह बंजर ज़मीन थी, चाइनीज ने हमारी बहुत हेल्प की है, और चाइनीज ने वहाँ पे पौधों को टिश्यूज बदल के उनको ऐसा बना दिया ताकि वो बंजर जमीन खुश्क धूप में रह सके। और वहाँ पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। मसलन मानगढ़ जो सी वहाँ पे मानगढ़ ग्वादर में जगह है, उधर भी डेवलपमेंट हो रही है। और जो सा मेन आइलैंड है ग्वादर, उधर भी हो रही है, उधर भी बहुत, जैसे आपको पता है पोर्ट है वहाँ पर तकरीबन एक है, शायद एक ही है वहाँ पे, और वो भी डेवलप, मतलब कि वहाँ पे भी तजारत वगैरह अब होएगी। वहाँ एयरपोर्ट पे ना, एयरपोर्ट पे दुनिया का मतलब आज तक जितने भी जहाज बने उसमें सबसे बड़ा जो सा बंदों को लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, वो है जहाज ना बोइंग, जो उसका नाम है बोइंग, वहीं जहाँ उसकी इतना बड़ा, उसकी लैंडिंग और जो सा टेक ऑफ करते हैं उसकी भी जगह है एयरपोर्ट पे। ये बड़ा अच्छा हो गया है। तो ग्वादर में बलोचिस्तान में अगर आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, वो ओपन हो गए। तो मैप में तो इतना नहीं वो दिखाता अंदर क्या क्या, बस ये मैंने सर्च भी किया था पर इतना नहीं उसने दिखाया था। मैंने तस्वीरें वगैरह आई, मतलब पोर्ट की जो है होता है ना उसकी तस्वीर वगैरह आई थी, बाकी और कुछ नहीं आया था, दो तीन चार तस्वीर आई थी और कुछ भी। हमें चाहिए थे हम मैप में उसकी अच्छी अच्छी पाकिस्तान की जो सी अच्छी अच्छी जगह ना वो मैप में डालें, और जाके ताकि घोड़े आए और घोड़े मैप अगर अक्सर खोले तो देखेंगे पाकिस्तान में भी ये जगह, वीडियो वगैरह भेजेंगे तो वीडियो वगैरह देखेंगे और वो यहाँ पे आ गए, और टूरिस्ट ज़्यादा होएगी, उसे प्रमोट होएगी, और हमारे ब्लॉगरों को भी जाए वो भी अच्छी अच्छी जगह जाए। जाके डक्की भाई गया था नॉर्थ साइड पे, नॉर्दर्न एरिया वो गया था, बहुत अच्छी उसने वीडियो बनाई थी,
वो हमें चाहिए कि प्रमोट करें उसको, टूरिज्म को। और जो सा पंजाब में भी डेवलपमेंट हो रही है, जैसे न्यू मेट्रो सिटी है सराय आलम की, उधर भी डेवलपमेंट हो रही है। बीच में रुक गया था काम, लोगों ने बड़े पैसे लगा के वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी थी, फिर भी वो रुक गया था। पता क्या मसला हो या क्या या क्यों रुक गया है। पर अभी देखा मैंने, डेवलपमेंट हो रही थी वहाँ पे, सारा कुछ साफ वगैरह करके, बड़ी खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। पहाड़ों को काट कर उन्होंने, पहाड़ ही पहाड़ थे वहाँ पर। अभी भी जाए ना, जा उस साइड पे सड़कों पे पहाड़ आते, इधर भी आते और इधर भी आते हैं। आगे जाके पहाड़ जो सा खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहाड़ काटे हैं और जगह उन्होंने बनाई है उधर। आप डेवलपमेंट वहां पर, मैं गया था अपने पापा के साथ उधर, तो वहां पर हमने ग्लो पार्क में झूले वगैरह भी लिए थे, व्लॉग भी डालो। उसका व्लॉग मैंने नहीं अपलोड किया है, एक मिनट, उसका व्लॉग मैंने नहीं अपलोड किया क्योंकि शोर बना था, तो मैं फिर डिलीट कर दिया था। तो वहाँ पे पहाड़, पीछे पहाड़ है बहुत खूबसूरत। हमने वहाँ पर जैसे हाइकिंग भी की थी ऊपर पहाड़ के चढ़ा, उस तरह की नहीं की थी, मतलब हम ऊपर कैमरा लेके ऐसे मोबाइल पकड़ के ऊपर भी चढ़े थे। मेरा भाई पहले चढ़ा, फिर मैं भी चढ़ा था, बहुत मज़ा आया। मेरा भाई कह रहा था तुम नहीं चढ़ पाओगे, तुमने, पर मैंने ऊपर चढ़ा हूँ तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा भी आया है। और ऊपर से बहुत बड़ी खाई थी, पीछे नीचे पानी भी था, छोटा सा तालाब कीचड़ वाला था, बहुत अच्छा लगा है। वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, और भी जगह हो रही है, जैसे जो सा ना आप देखें, ये हमारे सारे सूबे बहुत ज़्यादा हमारे इकोनॉमिक के जो से है जीडीपी पे बहुत ज़्यादा हम हिस्सा डालते हैं। जो सा पंजाब है वो 75 to 80% जो सी वहाँ पे चीज़ें उगती हैं, गंदम वगैरह, चावल वो एक्सपोर्ट है, मतलब इतनी ज़्यादा उगती हैं, इतनी ज़्यादा उगती हैं ना, बस वो एक्सपोर्ट हो जाए ना बहुत पैसा हमें मिल सकता है। एक्सपोर्ट होती हैं पर बीच में खराब भी हो जाती है। वो कैसे, हम पिछले 19th century वो ही पुराना तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक पड़ोली जी हो जाती है पुराना तरीका से, उसमें हवा आ जाती है, सारा खराब दाना हो जाता है, सारा खराब गंदम हो जाती है, कोई मज़ा नहीं आता। हमें तो, हम तो चलो खा लेते हैं, हमें, हम देसी लोग हैं। ओके, चाइना को दिया था, वो कहते हैं उसने देखते साल ही पहचान लिया, वो कहते हैं इसमें कमी है और इसकी पैकेजिंग भी खराब है, ये हम आपसे नहीं लेंगे। आपको चाहिए कि ये आप पैकेजिंग अच्छा करिए और इसको जो है गंदम है उसको अच्छे तरीके से पैकेजिंग और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो हमें भी चाहिए अच्छी क्वालिटी की बनाए। हम 75% उगाते हैं तो बीच में इतनी खराब क्यों होती है, वो इसलिए एड जाती है। आपको बताया अभी, हम भी पुराना तरीका, हमें चाहिए कि हम अंग्रेजों से वो एक फैक्ट्री लगाते हैं और इतना बड़ा सा टैंक होता है वाइट कलर का अक्सर होता है, उसमें बहुत बड़ा हो ना, उसमें ऐड जा सकती, कुछ भी नहीं जा सकता, गंद वगैरह वहाँ पे कई महीने तक दाना सेव रह सकता है गंदम। हमें वो, अगर वो इतना ज़्यादा हमें 75% हम वहाँ पर जमा कर सकते हैं और एक दाना भी नहीं खराब होएगा, हम उसको स्पोर्ट कर सके हैं। और हमें चाहे हम गरीबों को नौकरियां दें, ताकि उसमें भी हमारा भी फायदा और गरीब का भी फायदा। गरीब का फायदा है वो थोड़ी उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, हमारा ये फायदा, हमारे जो है वो जब नौकरी करेगा, मतलब उसको बिजनेस स्टार्ट करा के देंगे तो उधर से और ज्यादा हमारे जीडीपी में इजाफा होगा और ज्यादा पैसा आएगा, वो टैक्स देगा। और जो है कराची है ना सिंध में, वो इतना ज़्यादा अमीर है, पूरे पाकिस्तान का जो शहर है जितने भी, सबसे ज़्यादा अमीर कराची है। वो कैसे, सारी फिल्में इंडस्ट्री जो से ड्रामा इंडस्ट्री और जो से और ज़्यादा इंडस्ट्री है, फैक्ट्री वगैरह, वो सब उधर है।
और वो है भी बहुत ज्यादा उधर काम होता है फिल्म इंडस्ट्री और फैक्ट्री है और हर किस्म उस उधर आबादी भी बहुत ज्यादा है और आम दुकानें भी बहुत ज्यादा उधर नौकरियां करती है और सबसे ज्यादा टैक्स भी कराची पे करता है। उसकी वजह से हम टिके हुए हैं कराची, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर है थोड़ी सारी। तो अगर वो भी ना हो तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल हो गया आप सोचें। उसकी इकोनॉमी 265 या 35 बिलियन यूएस डॉलर है और पाकिस्तान की सब पूरे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी भी उधर है और जो सा जीडीपी भी वही उधर ही है, वही ऐसे बनती है उसमें। और दूसरे नंबर पे पंजाब है, वो भी बड़ा डेवलप है। पंजाब ना पूरा ही डेवलप, पूरा सूबा ही डेवलप है, कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो डेवलप ना। और कराची जो है उसका आप देख ले, कराची ज़्यादा डेवलप है और बाकी जो है वो रेगिस्तान वगैरह डेजर्ट है। हम लोग कबाइल पुराने जमाने के रहते हैं उधर, पुराने तरीकों से। और बलोचिस्तान अभी होना शुरू हुआ है वहाँ पे। हाँ कोयटा डेवलप है बलोचिस्तान में, और जगह इतने कोई डेवलप देसी तरीके से रहते हैं लोग। और ग्वादर डेवलप हो रहा है, ये अच्छी बात है, डेवलप होना भी चाहिए और ये भी अच्छी बात है। हम गरीबों को नौकरी दें, उसको बिजनेस स्टार्ट कराएं। देखें उसकी को पैसा तो है कोई नहीं, आप चाहे आप उसे सपोर्ट करो, आप उसे पैसा दे पे बेशक आप उसे कर्जा ना दे, आप सीधा उससे पैसा दे ताकि वो खुद बिजनेस स्टार्ट करे, खुद वो सारा कोई करे, उसको सिखाए काम हिसाब किताब जो सा दुकान है उसमें हमारे ही फायदा। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा उसे रकम दे दें वो बहुत यार वो पे भी नहीं काट सकेगा कर्जा, इसलिए अच्छा यही है हम उसे पैसे दे दें ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे और कर्जा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही वो गरीबों में हिम्मत आएगी जो है फकीर वगैरह, और वो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उनको भी फायदा होगा। पंजाब तो पूरा डेवलप है आपको बता दें। हमें चाहिए कराची के सिंध वगैरह और जो सा बलोचिस्तान भी पूरा डेवलप हो। और इससे क्या होगा, इससे जो सा फैक्ट्रियाँ बनेगी हो जा कराची सिंध, इससे क्या होगा फैक्ट्रियाँ बनेगी, दुकानें बनेगी, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, जॉब मिलेंगी और आईटी जो सा जॉब मिलेगी और इससे हमारा भी फायदा, उनका भी, उनका यह उनकी ज़िंदगी अच्छी हो गई थोड़ी पहले से, और हमारा फायदा ये हम उनसे टैक्स लेंगे और गवर्नमेंट को जाएगा और गवर्नमेंट और ज़्यादा डेवलप होएगी। ये हमें सोचना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। और आप देखें कराची बलोचिस्तान में ना ऑयल रिजर्व गैस भी निकलती है, गैस भी निकलती है जो से हमें सुबह 6 घंटे मिलते हैं, बंद हो जाती है मसा वही मिलती है। तो हमें चाहिए कि तेल को निकालें और एक्सपोर्ट करें, जैसे अब अरब मुल्क जैसे सऊदी अरेबिया, उनके पास तेल बहुत कम है, पुत्र किस 50-60 साल से निकाल रहे हैं बेच रहे हैं, अभी देखो वो इतने अमीर हैं पर अभी उनके पास जो सा तेल ख़त्म हो गया। और वो कोशिश कर रहे हैं हम अब और चीज़ों में इन्वेस्ट करने की, और चीज़ें जैसे गाड़ियाँ वगैरह लगा लें, वो बना के उन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और कुछ और वो कह रहे हैं वो मैंने है। भाई हो सकता है ये बोले मुझे कन्फर्म नहीं है, पर उनके पास तेल ख़त्म हो गया तो हो सकता है वो इस रास्ते पे आ जाए, और हमारे पास तो अभी निकला है बेटा।